कंज्यूमर बिहेवियर। तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मैंने आप लोगों को एक एब्रीविएशन, एक एक्रोनम बताया था, ए वी सी डी एच। वी से क्या है? वैरायटी सीकिंग। सी से कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। डी से डिसोनेंस रिड्यूसिंग। और एस से हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बाइंग बिहेवियर। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हम लोग कर रहे थे। सो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर कब एक्चुअल में इस तरीके का बिहेवियर कंज्यूमर का डेवलप होता है? जब कंज्यूमर लग्जीरियस प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है? When consumer purchase luxurious product and they have to pay a higher amount, so in that situation क्या होगा आपका? Consumer जो है वो highly involved होगा purchase करने में, ठीक है? No doubt उस person को knowledge होगा brand का। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक laptop खरीदने जा रहा है तो उसे पता नहीं कि HP, Lenovo और बाकी other brands available है market में। He is knowledgeable in brand and he knows what is the difference. यानी difference का भी उसको पता होगा, लेकिन still because of the higher price that person is going to involved in purchasing a lot. ठीक है, बहुत ज्यादा time देगा। और consumer जो है highly involved है क्योंकि expensive है unfrequently. यानी जो product को आप बार बार नहीं खरीदते हो, convenience product जैसे होता है आपका, convenience product जैसे आपके FMCG product है, grocery items वगैरह जो है वो आप हमेशा फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं, जैसे खत्म होता है वैसे दोबारा खरीद लेते हैं, राइट? लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये इनफ्रीक्वेंट है, इनको हम बार बार नहीं खरीदते हैं, रिस्की है प्रोडक्ट को खरीदना और एक्सपेंसिव है प्रोडक्ट, ठीक है? और इसी वजह से कंज्यूमर जो है वो हाईली इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, ऐसे एग्जाम्पल मैंने आप लोग को शायद बताया होगा इसका, लैपटॉप वगैरह के बारे में। हाँ, आईफोन वगैरह बताया था मैंने। चलिए, अब जो बायर है विल पास थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस। बायर जो है वो लर्निंग प्रोसेस से क्या होगा, वो पास करेगा। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में वो कॉग्निटिव होता है, जो आपका एक बोल सकते हैं ना कि कंज्यूमर जो है वो सीखना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है, एजुकेट होना चाहता है, राइट? सो बायर जो होगा वो पास होगा इसमें, किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस होगा एक, ठीक है? उसके अलावा उसको प्रोडक्ट को परचेज करना है या नहीं करना है उसके लिए वो प्रॉपर एनालिसिस भी करेगा, राइट? इसीलिए कॉम्प्लेक्स है ये। उसके बाद ये इसके पास जितना इंफॉर्मेशन होगा ना, उससे ये ब्रांड्स के बीच में कंपैरिजन भी करेगा कि विच वन इज बेटर वन, राइट? तो यहां पर इस टाइप के कंज्यूमर बिहेवियर को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है? नेक्स्ट है, अब मार्केटर क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में? मार्केटर के पास क्या ऑप्शन है? जब आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आप भी इन्वॉल्व हो और आपके साथ साथ जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सन है वो भी इन्वॉल्व है, तो वो कैसे आपको कन्वेंस कर सकता है, कैसे बता सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में? तो जो मार्केटर है उसको प्रोडक्ट के जितने भी ब्रांड्स हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस बताइए कि इसको खरीदिएगा तो ये बेनिफिट है, इसको खरीदिएगा तो ये बेनिफिट है, ठीक है? उसके बाद आप उनको बता सकते हो, मतलब ब्रांड का बेनिफिट बता सकते हो, जो भी ब्रांड आपको सेल करवाना है या सेल करना है उसके जो भी बेनिफिट है वो बताइए, मोटिवेट कीजिए कंज्यूमर को कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, ठीक है? अब बायर जो है वो अपने नॉलेज और मार्केटर के इन्फ्लुएंस से फाइनली प्रोडक्ट को परचेज करेगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट आएगी, टाइम बहुत ज्यादा लेगा क्योंकि एक्सपेंसिव है, इनफ्रीक्वेंट प्रोडक्ट है। इनफ्रीक्वेंट मतलब बार बार जिसको हम नहीं खरीदते, रिस्की प्रोडक्ट है, ठीक है? चलिए, तो ये आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर? समझ में आया सबको कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है? नेक्स्ट वन, अच्छा बिफोर स्टार्टिंग द अदर टॉपिक, चलिए तो डिसोनेंस बाइंग, ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज क्लियर, चलिए नेक्स्ट वन इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। Dissonance reducing buying behavior. अच्छा, dissonance reducing buying behavior का मतलब क्या है कि जब आप confused रहते हो तो कैसे ये confusion, मतलब confusion वाला situation, ठीक है? और उस confusion को दूर करने के लिए जब आप marketer से influence होते हो, इसमें ये सारे terms हैं। Dissonance reducing buying behavior में क्या situation होगा consumer का, कि consumer highly involved होगा purchase में, जैसे complex में situation था वैसे यहां पर भी वो क्या रहेगा, हाईली इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है? लेकिन
लेकिन कंफ्यूज होगा, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन एवरीवन, सारे बच्चे म्यूट कीजिए खुद को, म्यूट है। यूजिंग बाइंग बिहेवियर में क्या सिचुएशन है कि आपके जो कंज्यूमर्स है दे आर बेसिकली हाईली इन्वॉल्व इन परचेजिंग, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स में हाईली इन्वॉल्व थे वैसे सेम डिसोनेंस रिड्यूसिंग में भी हाईली इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है ये बताते हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आपका जो ब्रांड का नॉलेज है, ऐसे जो कंज्यूमर्स होंगे ये ऐसे पोजीशन में तब है क्योंकि इनका जो ब्रांड का नॉलेज है ये बहुत ज्यादा लो है, बहुत लो। यानी इसे ये भी नहीं पता है कि कौन कौन से ब्रांड के आपके लैपटॉप आते होंगे, समझ रहे हो। तो इनका ब्रांड नॉलेज बहुत ही ज्यादा क्या है, लो है। ब्रांड के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो ब्रांड के बारे में डिफरेंस ही नहीं पता होगा, ऑब्वियस बात है। तो दैट पर्सन हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द ब्रांड्स एंड वेरी लिटिल डिफरेंसेस ही और शी नोज अबाउट द ब्रांड, ठीक है। हाईली इन्वॉल्व है, हाईली इन्वॉल्व लिख लिया। और ये जो है इसीलिए हाईली इन्वॉल्व है क्योंकि हो सकता है, यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वही सिचुएशन है जब ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं बट ब्रांड का नॉलेज नहीं है, तो परचेज करते हैं ये भी वही सेम एक्सपेंसिव इनफ्रिक्वेंट एंड रिस्की प्रोडक्ट लाइक द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। हाँ ये कंफ्यूज होता है, लेकिन इनको ब्रांड का नॉलेज नहीं है तो कंफ्यूजन ही होगा ना, कंफ्यूजन ही रहेगा आपको क्योंकि आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करें वो आपको नॉलेज नहीं है और आप एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल का दो मोबाइल का ऑप्शन आपको पता है कि कौन कौन सा मोबाइल है, या एटलीस्ट मेजर ब्रांड्स के बारे में आपको पता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप एनालिसिस करते हैं इसका कैमरा अच्छा है, इसका डिस्प्ले ऐसा है, इसके फीचर्स ऐसे है, इसका रैम ऐसा है, ये सब चीजें आपको पता होती है ना, तब जाके आप क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। लेकिन जब आपको इन्फॉर्मेशन या आपको बस पता है कि मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, यू हैव अ नीड बट यू डोंट नो हाउ टू सेटिस्फाई दैट नीड, विच वन इज अ सुटेबल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड, सो दिस इज द सिचुएशन वेयर यू आर कंफ्यूज्ड बिकॉज यू हैव वेरी वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि जो बायर होगा विल शॉप अराउंड टू लर्न वॉट इज अवेलेबल but will buy fairly quickly because brand difference are not pronounced. तो यहाँ situation क्या है देखो कि अगर आपको ज्यादा knowledge है, ठीक है, जब if you are more knowledgeable so you know कि you are able to take the decision properly. अब यहाँ क्या situation है कि जब buyer किसी store में जा रहा है, shop पे जा रहा है, laptop खरीदने जा रहा है तो उसको brand का knowledge ही नहीं है, marketer उसको जैसे convince करेगा जैसे ही उसको प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होगी वैसे ही वो क्विक परचेज भी कर लेगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट तब भी हाई होगा। दैट पर्सन इज गोइंग टू नो अबाउट द वेरियस फीचर्स एज वेल, जो लैपटॉप सेलर है उससे वो मल्टीपल क्वेश्चंस रेज करेगा, सुनेगा। और अगर आपको तो पता है कि सेल्स पर्सन्स आर ट्रेन्ड, दे आर नॉलेजेबल इफ दे आर सेलिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, सो अकॉर्डिंग टू हिज और हर वर्ड्स that person is going to take the decision because he don't have any knowledge about the brand, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन बोला जा रहा है कि in this case the buyer जो है will buy fairly quickly, मतलब complex में क्या है कि इन दोनों का knowledge clash करता है, यानी कि आपके buyer का भी और आपके seller का, क्योंकि buyer को भी knowledge है तो seller का जो point है अगर वो satisfied नहीं होगा तो फिर वो decision नहीं लेगा, right? यहाँ पर क्या है कि नॉलेज नहीं है, कंज्यूमर सेल्स पर्सन जैसे बता रहा है वैसे ही वो डिसीजन ले रहा है, राइट। बायर मे रिस्पॉन्ड प्राइमरी टू अ गुड प्राइस और टू परचेज कन्वीनियंस, और ऐसे सिचुएशन में जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपके लिए जो अपनी तरफ से मैटर करता है ना वो होता है कि आपका कन्वीनियंस, यानी कि जैसे अगर मेरे घर के पास आदित्य विजन है और मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो मैं आदित्य विजन चली जाऊंगी ये सोच करके कि मुझे ब्रांड का नॉलेज तो नहीं है लेकिन इस जगह पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और ये मेरे घर के आसपास है और डिस्काउंटेड रेट पर भी हो सकता है मिल जाए। सो इन बायर के लिए जो मोटिवेशन का फैक्टर होता है वो होता है कन्वीनियंस फॉर परचेजिंग एंड सेकेंड वन इज द प्राइस। सो प्राइस एंड प्लेस कन्वीनियंस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दीज टाइप ऑफ बायर्स। आ रही बात समझ में एवरीवन?
यस मैम। ओके यस आशीष बोलो बेटा। मैम इंडिया में तो मेजोरिटी ऑफ सब आवाज आवाज एक मिनट आवाज आपकी क्लियर नहीं है मुझे। मैम इंडिया में मेजोरिटी ऑफ सब पीपल तो मैम किसी के अंदर आते हैं रेजोनेंस। ये कोई कोई परसेंटेज नहीं है, ये एक सिचुएशनल बेस्ड बिहेवियर है। दिस इज नॉट अ परसेंटेज कि इतने डिसोनेंसी होंगे, इतने कॉम्प्लेक्स होंगे, इतने हैबिचुअल होंगे। इट इज टोटली अबाउट दैट व्हाट यू आर परचेजिंग एंड एट व्हिच टाइम यू आर परचेजिंग। आई वांट टू सी दिस बिकॉज कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, आपका बिहेवियर 100% कॉम्प्लेक्स है ये नहीं है। ये तो आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपका बिहेवियर ऐसा हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो दिस इज द सिचुएशनल बेस्ड बिहेवियर व्हेन यू आर परचेजिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। सो इन दैट सिचुएशन यू आर कन्वर्टिंग योरसेल्फ यार, योर बिहेवियर इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है कोई भी, या मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो फॉर मी 50,000 रुपीज अ वेरी बिग मनी, बिग अमाउंट। तो 50K में कैसे खर्च दूंगी एक बार में, तो मेरा बिहेवियर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर मुझे ब्रांड का नॉलेज है तब, अगर मुझे ब्रांड का नॉलेज नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में मेरा क्या होगा, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। जहां पर मैं कंफ्यूज हूं और मुझे कंफ्यूजन, मेरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या तो मुझे कोई इन्फ्लुएंस करे अपने आंसर से या मुझे कोई बेटर इलैबोरेशन करे, ठीक है, जो एक कॉम्प्रिहेंड वे में हो, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग वे में हो, तो जहां पर मेरी प्रॉब्लम जो है मुझे सॉल्व होती हुई नजर आए, तो ये दूसरा है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाय बिहेवियर। आई बात समझ में आशीष? यस मैम। ओके चलिए नेक्स्ट है कि आगे इसमें सुनिए। आफ्टर द परचेज, आफ्टर द परचेज, ठीक है, जब आप परचेज कर लेते हैं प्रोडक्ट को, द कंज्यूमर माइट एक्सपीरियंस डिसोनेंस दैट स्टेम्स फ्रॉम नोटिसिंग सर्टेन डिसक्वाइटिंग फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट और हियरिंग फेवरेबल थिंग्स अबाउट अदर ब्रांड्स। लेट मी टेल यू चलिए तो यहां पर ये भी होता है डिसोनेंस बाइंग बिहेवियर में, एक और भी चीज है कि जब कंज्यूमर ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, कई बार कंज्यूमर को ऐसा लगने लगता है, फिर ऐसे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनका ना थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो लॉन्ग टाइम तक उनके दिमाग में यही रहता है कि जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया दैट इज बेटर और नॉट। क्योंकि कंज्यूमर इफ दे आर पेइंग द मनी दे वांट अ बेस्ट प्रोडक्ट, सही बात है, यही चीज है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर द परचेज द कंज्यूमर माइट डिफरेंसेस डिसोनेंस दैट स्टेम्स फ्रॉम नोटिसिंग, मतलब वो क्यों होता है डिसोनेंस, फिर क्यों होता है जब आफ्टर परचेज होता है, मतलब आफ्टर परचेज के बाद, पोस्ट परचेज की बात हो रही है। एक बार जब आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया, आपने उसको देखना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, राइट, फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी उसमें ऐसा फीचर्स होगा ना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, अगर उसमें फीचर होता है तो फिर वो कंज्यूमर जो है वो डिसोनेंस के केस में चला जाता है, यानी उसको फिर वो प्रॉब्लम देना शुरू करेगा और फिर उसके दिमाग में ये आएगा कि गलत प्रोडक्ट खरीद लिया, इससे बेहतर प्रोडक्ट अवेलेबल था मार्केट में। समझ में आई बात? हाँ, जैसे पावर उसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसको लगता है कि अरे इससे अच्छा तो वही मोबाइल खरीद लिया होता। तो ये कंज्यूमर में ये भी प्रॉब्लम है कि जब वो दूसरे प्रोडक्ट के बारे में फेवरेबल चीज सुनेगा तो अगर उसको अपने प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नजर आएगा तो ही स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद द दूस प्रोडक्ट विच ही डिडंट परचेज, जिसको नहीं खरीदा उसके साथ ये कंपेरिजन भी ऐसे लोग, ऐसे बिहेवियर में लोग करते हैं एज कंज्यूमर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, अच्छा ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग में और कॉम्प्लेक्स में किसी को कोई डाउट है? ठीक है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, ठीक है, इसका नाम से क्या पता लग रहा है? बिल्कुल, तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर ऐसा है, देखो ये प्रोडक्ट से ये बिहेवियर बन रहा है, याद रखिएगा, रिस्की प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिसोनेंस, अनरिस्की प्रोडक्ट फ्रीक्वेंट परचेज वाले प्रोडक्ट, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। अगर आप खरीदते हैं तो ऐसे केस में आपका जो बिहेवियर होगा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर होगा, ठीक है। ये कब होता है?
जब आप कोई प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट है आपको ऑन द डे टू डे बेसिस लगभग, और उसको आप हर दिन यूटिलाइज करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो चीजें हैं, राइट? यहाँ पर जो कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होगा, ऑलवेज रिमेम्बर दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, इट इज वेरी लो. क्यों लो होगा? क्योंकि 10 रुपए के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इतना स्ट्रेस आपके दिमाग में नहीं होगा कि प्रोडक्ट गलत खरीद लेंगे, और आपको नॉलेज भी होगा प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन भी होगा. और अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो 10 रुपए की वजह से या लेस एक्सपेंसिव होने की वजह से रिस्क बहुत कम है इसमें, ठीक है? तो बहुत ये कंज्यूमर जो होंगे लो इन्वॉल्व होंगे इसमें, याद रखिएगा, लो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स. An absence of the significant brand differences. 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 अब ये जो term है वो मैंने इसलिए use किया. देखो, sugar के कितने company का नाम, sugar के कितने companies का नाम पता है आप लोगों को? I'm not saying about sugar cosmetics. I am asking about the sugar, चीनी. किसी कोई किसी को companies के नाम पता है उसके? आजकल मैं एक कंपनी सुनती हूँ, मधुर आता है कोई, मधुर चिकन ग्रीन पैकेज. अदरवाइज किसी ने कोई कंपनी का नाम सुना है? और चीनी खरीदने में कंपनी ढूंढोगे? पैकेट वाला भी, कोई भी पैकेट रहेगा, फ्रेश दिखेगा, यू विल परचेज इट, ट्रू. लेकिन हाँ, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट 100 ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर परचेजिंग 1 kg ऑफ शुगर. सही बात है. तो यहाँ पर आपके कंज्यूमर को ब्रांड का बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगा, लेकिन चूंकि डे टू डे वाले प्रोडक्ट है, ये तुरंत से क्विक परचेज भी कर लेगा, ठीक है? एग्जाम्पल में ले सकते हैं सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीजें आएंगे इसमें. हाँ, आपके सॉल्ट में ब्रांड इसलिए यूज करते हैं, उसका नाम, उसका एक रीजन है, क्योंकि सॉल्ट में होता है आयोडीन. इट कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब ओपनली आप उसको सेल सॉल्ट को नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका जो आयोडीन होता है वो खत्म हो जाएगा उससे. तो उसके लिए पैकेज हमेशा सॉल्ट पैकेट में ही आता है. दैट इज वन ऑफ द रीजन. एंड उसके लिए हम ब्रांड को देखते हैं, जैसे टाटा सॉल्ट हो गया, अन्नपूर्णा हो गया. लेकिन ये भी चीज है कि अगर आपको टाटा सॉल्ट नहीं मिलेगा तो यू आर सेटिस्फाइड विद द अन्नपूर्णा एंड अदर ब्रांड. आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऐसे उतना ज्यादा नहीं पता है कि आशीर्वाद को अच्छा है या फिर आपका ये अच्छा है, क्या बोलते हैं उसको, टाटा अच्छा है या अन्नपूर्णा अच्छा है. ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं पता है ब्रांड का. आप कोई भी खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको अवेलेबल मिल जाएगा टाटा सॉल्ट, आप वो भी खरीद सकते हो. लेकिन इन्वॉल्वमेंट हाई नहीं है कि अगर आपको टाटा सॉल्ट नहीं मिल रहा है तो आप 5 घंटे तक सारे सॉल्ट का पैकेट देखोगे. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट लिखिए. अब मैं बताती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो पर्सन या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ये जो डे टू डे वाला कन्वीनियंस प्रोडक्ट है, ये ज्यादातर आपके आसपास के रीजन से परचेज करते हैं. यानी इनकी जो रीचिंग होनी चाहिए या जो प्लेस होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है? कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आप ऐसे जगह पे होने चाहिए जहां पर आप जाकर के उस प्रोडक्ट को खरीद सके, रीचेबल होना चाहिए वो एरिया, राइट? तो यहां पर लिखिएगा, दे गो टू द स्टोर एंड रीच फॉर द ब्रांड. Reach for the brand, ठीक है? Reach for the brand. क्या कर रहे हो बच्चे? ठीक है? Reach for the brand, ठीक है? They go to the nearby store, लिखा है कि नहीं? Nearby लगा लो उसमें, nearby store, nearby store. चलिए आगे सुनिए. सुनिए, इफ दे कीप रीचिंग द फॉर द सेम ब्रांड, इट इज आउट ऑफ हैबिट, नॉट स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयलिटी. तो ये टर्म यहाँ पर यूज किया गया है कि अगर कोई पर्सन है जो जाता है कहीं पर और वो सेम ब्रांड मांगता है बार बार कि टाटा सॉल्ट दीजिए, तो ये एक हैबिट है, ये आपकी कोई लॉयलिटी नहीं है, ये दिस इज अ हैबिट.
कि आपको उसी बोल सकते हैं ना वही सॉल्ट खरीदना है। लेकिन कई बार मैंने ये भी बोला ना कि अगर आसपास अवेलेबल ज्यादा स्टोर्स नहीं होंगे या कन्वीनियंस या ग्रोसरी स्टोर आसपास नहीं दिखेगा तो आप उसके जगह कोई और भी सॉल्ट खरीद कर आ जाओगे। तो कोई लॉयलिटी एज सच नहीं होता है हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में। आ रही बस समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो कंज्यूमर है, यस ओके, वॉट आई एम सेइंग दैट द हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में जो कंज्यूमर्स हैं दे आर गोइंग टू परचेज द आइटम्स, परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नियर बाई स्टोर एंड दे डोंट नो वॉट इज द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रांड एंड इफ यू आर परचेजिंग द सेम सॉल्ट, सेम कंपनी सॉल्ट ऑल द टाइम, इट इज अ हैबिट, इट इज नॉट अ लॉयलिटी। लॉयलिटी जो है वो 20 रुपए की चीजों में नहीं देखी जा सकती, वो इस सेंस में बोला जा रहा है इसका, कन्वीनियंस प्रोडक्ट में नहीं बताया जा सकता। हाँ क्या देखो, ये इस सेंस में बोला जा रहा है कि हैबिट, देखो लॉयलिटी इतना स्ट्रांग होता है ना कि आप प्रेफर ही वही ब्रांड करोगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं खरीदोगे, सो दैट इज अ लॉयलिटी, राइट? एंड फॉर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट यू विल मूव हियर एंड देयर एज वेल, सो दैट इज लॉयलिटी। If you are purchasing a salt, if you are not able to get it in the nearby store, maybe you can walk for a half kilometer more for purchasing it. ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा आप जाना पसंद नहीं करोगे। लेकिन जब आप ये देखो, consumer behavior बहुत dynamic है। मैंने क्या बोला? ये situation based पे, ये सारे assumptions हैं, ऐसा माना गया है। लेकिन जाने वाले लोग तो बिग बाजार से भी जाकर के पूरा घर का सामान लेकर आता है, grocery items, है ना? चलिए, तो इसमें लिखिए, ये समझ में आ गया यहां तक? एक हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या सिचुएशन है। अच्छा, एक और चीज है कि यहाँ पर कंज्यूमर ना कुछ सर्च नहीं करेगा एक्सटेंसिवली। तो कंज्यूमर जो है वो कुछ, अब सॉल्ट खरीदना है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर इंटरनेट फॉर सर्चिंग अबाउट इट। ठीक है, कि दैट विच सॉल्ट इज बेटर, विच वन इज बेटर, यू आर नॉट गोइंग टू सर्च इट, सर्च नहीं करोगे ब्रांड के बारे में। लेकिन अगर कोई महंगा प्रोडक्ट लेते हैं तो करते हैं ना सर्च, है ना? आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस यूट्यूब पे पड़े होते हैं, कंटेंट देखते हैं कहीं पर, कंटेंट राइटिंग क्या, इंटरनेट पे आप चेक करते हैं। लेकिन इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट कोई भी सर्च या रिसर्च करने का काम कस्टमर नहीं करेगा। एक्सटेंसिवली जो रिसर्च का काम होता है एग्रेसिवली, वो कस्टमर नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि जब वो खरीद रहा है तो वहीं पर वो दो तीन प्रोडक्ट को मंगवा करके या फिर शॉपकीपर को बोल करके मे बी वो एनालाइज कर सकता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू गिव सो मच टाइम टू परचेजिंग अ कन्वीनियंस प्रोडक्ट इन शॉर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लास, दीज पॉइंट्स आर क्लियर? यस मैम, क्लियर मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, अब इस टाइप के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट के सेल के लिए मार्केटर क्या करता है, तो मार्केटर ना रिपीटेटिव एडवर्टीजमेंट दिखाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आज भी टेलीविजन पे आता है ना, कन्वीनियंस और एफएमसीजी प्रोडक्ट का। तो वो रिपीट क्या करेगा, आपके ये जो कंपनीज होती हैं जो एफएमसीजी गुड्स में डील करती हैं, ये कोई एक्स्ट्रा प्रमोशन नहीं करेंगे इस तरीके से। लाइक आपने कभी भी सॉल्ट का प्रमोशन सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, देखा है क्या? फेसबुक पे देखा है? नहीं, क्योंकि दे आर यूजिंग अ कन्वेंशनल वे ऑफ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन नाउअडेज इवन, बिकॉज ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट है जिसको आप एक महीने के अंदर अंदर या 15 दिन में 10 दिन में खरीदोगे। अब ब्रेड और ये जो और कुछ आइटम्स है वो तो आप डेली बेसिस पे लगभग खरीदते हो, तो इसके लिए क्या करेगी ना ये जो आपकी कंपनीज है जो इन प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है, दे विल स्टार्ट डूइंग द एडवर्टीजमेंट फॉर द हायर रिटेंशन, ताकि आपके दिमाग में यहाँ पर वो चीज रहे। आज भी देखो मैगी का एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे आता है, 1980s की वो कंपनी है, स्टिल यू आर एबल टू सी द एडवर्टीजमेंट ऑफ मैगी ऑन टेलीविजन, राइट? हाँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, अमेजोन की बात करूं, जो ग्रोसरी आइटम सेल करते हैं, दे आर डूइंग द एडवर्टीजमेंट बिकॉज दे आर सेलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, राइट? And even the big bazaar is also advertising, but majority of the time they are advertising about the offers. कि ये offer मिलेगा when you are purchasing the product on Wednesday. But they are not giving कि हर एक product जितना उनके पास available होगा उनके retail store में,
वो सारा का सारा एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे सब प्रोडक्ट का अपनी तरफ से, वो सिर्फ अपने रिटेल स्टोर का एडवर्टीजमेंट करते हैं, राइट। लेकिन ये जो कंपनीज जो इन प्रोडक्ट को बनाती है वो हायर, मतलब हाईली बेस्ड है आपके एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन पे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वन इज अच्छा यहां पर एक चीजें आई हैं, जैसे कि ये जो कुछ FMCG प्रोडक्ट है ये एक एक्सेप्शनल केस है कि अब क्या कर रही है कंपनीज ना, वो देख रही है कि कस्टमर्स तो हाईली इन्वॉल्व होता नहीं है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, लोअर इन्वॉल्व होता है, तो अब वो कोशिश कर रही है कि कुछ आइटम्स में कस्टमर्स हाईली इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्या हो सकता है, जब आपकी प्रॉब्लम एक्सट्रीम होगी ना तब आप हाईली इन्वॉल्व होगे इन हैबिचुअल और FMCG प्रोडक्ट में भी। जैसे किसी पर्सन को कैविटीज की प्रॉब्लम है, दांत में कैविटीज हो गया प्रॉब्लम है, अब यहाँ पर पेन है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम बड़ा है, तो यू कैन गो टू द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाओगे। लेकिन सम पीपल आर अवॉइडिंग, मे बी अवॉइडिंग डॉक्टर्स, दे ट्राई टू ट्रीट इट इन देयर होम एज वेल, सम पीपल आर लाइक दैट एज वेल। सो अब वो क्या करेगा कि ही विल स्टार्ट सर्च अबाउट द टूथपेस्ट विच इज बेसिकली सुटेबल फॉर दैट डैमेज्ड टीथ या टूथ। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप टूथपेस्ट तब खरीद रहे हो तब हो सकता है कि आप थोड़ा आपका इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द जो आप लेस इन्वॉल्व थे उससे थोड़ा ज्यादा हो। आ रही बात समझ में। जब आप बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स वाले प्रोडक्ट को बनाइएगा, कोई भी कंपनी अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स वाले प्रोडक्ट को बनाएगी और वो उसी कंडीशन में सूटेबल होगी, जैसे आपके सेंसिटिविटी के लिए सेंसोडाइन सूटेबिलिटी उसी के लिए है, तब ऐसे केस में हो सकता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाए। तो ये एक मेजोरिटी पार्ट लिया गया है बिहेवियर से, अदरवाइज मैं आपको बता दूं हर कंज्यूमर हर एक प्रोडक्ट में अलग तरीके से बिहेव करता है, दैट इज द ट्रूथ बेसिकली। चलिए नेक्स्ट वन इज और अभी जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है इन सारे प्रोडक्ट का, जो आपके लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है उनका आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखो, कॉफी का एडवर्टीजमेंट कैसे आता है, लाइक दे स्टार्टेड विद द मॉर्निंग टाइम, है ना, टी का एडवर्टीजमेंट देख रहे हो आप कैसा, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर परचेजिंग में भले हाईली इन्वॉल्व ना हो कस्टमर, लेकिन यहाँ जब वो एडवर्टीजमेंट देखता है तो हाईली इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज दैट पर्सन वॉन्ट टू रिटेन दोस थिंग्स। चलिए हाँ, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ गया सबको। चलिए वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अच्छा वैरायटी सीकिंग की मैं बात बोलूं तो हाउ मेनी पीपल आर वेरी मच इनोवेटिव, तुम लोग में से कौन इनोवेटर हो, इनोवेटर इन सेंस कि कौन ऐसा पर्सन है जैसे कुछ भी बिस्किट का नया ब्रांड आया खरीद लिया फटाक से, हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट, जो नया कुछ भी ब्रांड दिखा स्टोर में बिस्किट का तो खरीद लिया। अच्छा तो क्या नाम है, ऋषि एंड ऋतिक, एनीवन एल्स इज लाइक दैट, कोई ऐसा है और बाकी ऐसा कोई नहीं है, मतलब अगर हाइड एंड सीक खाते तो हाइड एंड सीक ही खाओगे, है ना, और बॉर्बोन खाते तो बॉर्बोन खाओगे। यस मैम, ब्रांड लॉयलिटी। हाँ ब्रांड लॉयलिटी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि यहाँ पर कंज्यूमर का लो इन्वॉल्वमेंट होगा लेकिन कंज्यूमर्स इनोवेटर्स होंगे, ठीक है, कुछ भी क्यूरियस होंगे, कुछ भी नया प्रोडक्ट उनको दिखेगा। खास करके याद रखिएगा कि कोई भी आइटम, खाने पीने की चीज, ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखेगा तो यू आर गोइंग टू परचेज इट बिकॉज यू वॉन्ट टू ट्राई इट, है ना, यू वॉन्ट टू सेट अ परसेप्शन अबाउट दैट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट लो होगा, इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, लो होगा, लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर जो है ना उसको ब्रांड डिफरेंसेस पता होगा कि जैसे मैं पार्ले जी लेता हूं तो ये है, गुड्डे लेता हूं तो ये है, वो उसको डिफरेंसेस पता होगा, लेकिन जो ब्रांड स्विचिंग कॉस्ट है ना दैट इज वेरी लो। ब्रांड स्विचिंग कॉस्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये आप 20 रुपीज का बॉटल ले रहे हो और अब आप चाहते हो बिस्लेरी का बॉटल खरीदना,
तो यू हैव द स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी लो, क्योंकि ये भी 20 रुपए का आता है, वो भी 20 रुपए का आता है। आई बस समझ में? तो जो स्विचिंग कॉस्ट जो होगा ऐसे कंडीशन में लो होगा। अब ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खा रहे थे तो 500 रुपए का पैकेट खरीद लेंगे। नो, दिस इज नॉट अ ब्रांड स्विचिंग क्राइटेरिया। द पर्सन विल बी स्विच द ब्रांड, ही विल बिकम सीकर्स ओनली और ही विल सीक टू दूस प्रोडक्ट ओनली व्हाट इज द अफोर्डेबिलिटी रेट दैट पर्सन हैव। या अफोर्डेबिलिटी यानी जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा था, जैसे 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा था बिस्किट, तो 10 रुपए का ही कोई नया बिस्किट आएगा तो खरीदेगा, ऐसा नहीं कि 500 का 1000 का खरीदना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं वैरायटी सीकर्स, जिनका दिमाग में होता है कि कुछ भी नया आएगा मार्केट में ट्राई करना है। और ये जो वैरायटी सीकर्स होते हैं, ये ब्रांड डिफरेंसेस इनको पता होता है, और जो भी ये ब्रांड परचेज करते हैं वो ऐसा नहीं होगा कि एक्सट्रीम लोकल प्रोडक्ट वो खरीदेंगे, वो ब्रांड ही में ब्रांड स्विच करेंगे। यानी कि लेस खा रहे थे तो अंकल चिप्स तक जाओगे, आ रही बात समझ में? लेस खा रहे थे तो हल्दीराम तक जाओगे, दिस विल बी द सिचुएशन। क्लियर हो गई बात? और ये क्यूरियस होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं और वैरायटी सीकर्स होते हैं। और ये ज्यादातर वो आइटम्स होते हैं जो शॉपिंग प्रोडक्ट और कन्वीनियंस प्रोडक्ट होते हैं, शॉपिंग और एंड कन्वीनियंस प्रोडक्ट। हाँ, शॉपिंग एंड कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जैसे अगर कोई पर्सन किलर का जींस ले रहा था तो लिवाइस तक जा सकता है, यूसीबी का ले रहा था तो लिवाइस तक जा सकता है। ठीक है, या फिर कुकीज का भी ले लो एग्जाम्पल, 50 रुपए की कुकीज ले रहे हो तो 50 या 55 रुपए तक जाओगे आप। रिलेटेड, अब ऐसा नहीं कि कोई लिवाइस का जींस पहन रहा था तो अरमानी तक पहुंच जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एक्सट्रीम प्राइस डिफरेंस के बीच में वैरायटी सीकिंग कभी नहीं होगा। जो भी आप वैरायटी सीक कर रहे हो वो नियर बाय प्राइस का होना चाहिए, व्हाट एवर यू आर अर्निंग बिफोर। दैट इज अ डिफरेंट कंडीशन। तो ब्रांड स्विचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप ब्रांड लॉयल हो गए। अब आपने अभी लिवाइस खरीदा तो अगली बार आप कोई और खरीद लोगे, अब उसके अगली बार कोई और खरीद लोगे। सिचुएशन या प्राइस, अमाउंट, अफोर्डेबिलिटी। लेकिन अगर एक नॉर्मल टर्म में बताया जाए तो वैरायटी सीकर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादातर शॉपिंग प्रोडक्ट भी कम मानो कन्वीनियंस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा आपको नजर आएंगे। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए, तो आई गेस दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन, दैट व्हाट, हु आर वैरायटी सीकर्स, हु आर वैरायटी सीकर्स एंड व्हाट इज हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, व्हाट इज डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मैं एक टेबल बना रही हूं, आप लोग देखिएगा इस टेबल को। अगर इन्वॉल्वमेंट के बारे में बोला जाए, इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा यहां पर लिखो हाई इन्वॉल्वमेंट या लिखो लो इन्वॉल्वमेंट। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर जो होगा वो आपका हाईली इन्वॉल्व होगा कस्टमर्स में। तुम लोग सुन लो, जो हाईली इन्वॉल्व होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग में भी क्या होगा, हाईली इन्वॉल्व, और आपका हैबिचुअल में होगा लोअर इन्वॉल्वमेंट, और आपका ये वैरायटी सीकर्स में लोअर इन्वॉल्वमेंट। प्राइस की बात करूं मैं प्रोडक्ट की, तो कॉम्प्लेक्स में और डिसोनेंस में प्राइस और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होंगे, और हैबिचुअल और वैरायटी में आपके लो कॉस्ट प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, कंज्यूमर कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में हाईली नॉलेजेबल होगा कौन, कंज्यूमर, क्योंकि उसको ब्रांड्स का नॉलेज होगा। डिसोनेंस रिड्यूसिंग में नॉलेज इसको नहीं होगा ज्यादा, ब्रांड के डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता होगा डिसोनेंस रिड्यूसिंग में। हैबिचुअल में भी ब्रांड का नॉलेज एक्सट्रीम नहीं होगा, वैरायटी सीकर्स में ब्रांड का नॉलेज होगा, ब्रांड का नॉलेज होगा, डिफरेंसेस भी पता होंगे, लेकिन इनोवेशन इतना, क्यूरियोसिटी इतनी ज्यादा होगी ना कि दूसरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपको खरीद लिया तो हमेशा अडॉप्ट कर लिया प्रोडक्ट, नहीं, आपका रीजन होता है वैरायटी सीकिंग में ट्राई करना न्यू प्रोडक्ट को। अगर आपको पसंद आएगा तो हो सकता है एक दो बार आप और परचेज कर लो, पसंद नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम कोई और खरीदोगे, या फिर जो पुराना खरीदते थे वही खरीदोगे।
और उसके बाद फिर कोई न्यू आएगा तो फिर उसको भी ट्राई करोगे, अगर वो अच्छा लगा तो उसको आप लेके चलोगे, नहीं पसंद आएगा फिर वापस आओगे. सो दिस विल बी ऑलवेज गोइंग ऑन इन द वैरायटी सीकिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. ठीक है, समझ में आ गया सबको ये सारे टर्म्स? जो कॉम्प्लेक्स माइंड बिहेवियर है उसमें नॉलेज ज्यादा होगा. याद रखेगा मार्केटर का इन्फ्लुएंस कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में लो होगा, मार्केटर का, कस्टमर एग्जीक्यूटिव का, और जो सेल्स पर्सन है उसका. डिसोनेंस में हाई होगा रोल किसका, आपके सेल्स पर्सन का. हैबिचुअल में लो होगा और वैरायटी में भी लो होगा, किसका, सेलर का इन्फ्लुएंस. याद रखेगा सबसे ज्यादा डिसोनेंस रिड्यूसिंग में सेलर का इन्फ्लुएंस होगा. समझ में आया सबको? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. सो आपके यहाँ पर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर है, डेट इज मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, बहुत सारी चीजों पे वो बेस्ड है, बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है. पैसे से इन्फ्लुएंस होता है, इकोनॉमिकल टर्म में इन्फ्लुएंस होता है, इनकम से इन्फ्लुएंस होता है. सैलरी बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, आपका कंजप्शन इंक्रीज होगा, ब्रांड प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा, है ना, जैसे तुमने बोला था ब्रांड प्रायोरिटी चेंज हो जाएगा. तो इकोनॉमिकल टर्म में भी चेंजेस आते हैं, जीडीपी में चेंजेस आएगा कंट्री के, आपके भी परचेजिंग पैटर्न में चेंजेस आ सकता है इन द केस, या फिर इन्फ्लेशन होगा तो उसमें भी आपके परचेजिंग पावर में चेंजेस आ जाएंगे. कैसे, महंगाई बढ़ेगी तो आप देखोगे महंगा हो रहा है प्रोडक्ट, या तो क्वांटिटी कम कर दोगे या तो खरीदना बंद कर दोगे, उसकी जगह कोई और खरीदना शुरू करोगे, राइट. तो यहाँ पर यही सारे टर्म्स हैं कि जो कंज्यूमर का एक बिहेवियर जो होता है वो मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, और ये बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, जो बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे आपका साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी. सो दीज आर द डिसिप्लिन इन द कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहले अभी तो मैं इकोनॉमिक्स बता रही थी, सबसे पहले साइकोलॉजी समझिए. साइकोलॉजी क्या होता है रोहित? मैम साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू द माइंड मैम, ह्यूमन माइंड. वेरी गुड, वेरी गुड. अनीशा? यस मैम, रिलेटेड टू ह्यूमन. सो साइकोलॉजी जो है ये डिसिप्लिन है जो डील करता है स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, है ना. सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल. सो मार्केटर है वो साइकोलॉजिकल टर्म में भी कंज्यूमर के ऊपर क्या करता है, रिसर्च करता है कि उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, कैसे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हाँ, और उनका माइंड लर्निंग क्या है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ये एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है कि उनका रिसर्चिंग पैटर्न क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं, कैसे ढूंढ रहे हैं. तो ये सब मार्केटर भी इन सब चीजों को क्या करता है, एनालाइज करने की कोशिश करता है कि कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है. ठीक है, हाउ कंज्यूमर्स बिहेव व्हाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट. So somehow we can say that the psychology is also one of the discipline in which the marketer is going to do the research work. क्योंकि consumer अपना दिमाग भी लगाता है ना product को खरीदने में, चाहे आप कितना भी information grab कर लीजिए, चाहे आपको कितने भी family influence कर दे, but ultimately whatever you understand, you are going to purchase the product according to that. So your behavior will be changed when you are purchasing the different product. So in short, consumer market में कैसा behave कर रहा है, this is according to the psychology. समझ में आ गई बात? जैसे उसका देखो psychology कहाँ है पता नहीं. चलिए next one, anthropology बता रही हूँ, बता रही. चलिए sociology लिखिए next. Psychology समझ में आया? ये एक ऐसा discipline है जो deal करता है study of mind and behavior में, psychology में. और इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल एंड ग्रुप बाय एस्टैब्लिशिंग द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिसर्च स्पेसिफिक केसेस. और मार्केटर क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च करते हैं, केसेस जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कंज्यूम. और उसके अलावा जो साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है मार्केटर को, कंपनीज को अंडरस्टैंड करने में कि कंज्यूमर किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करता है, उनका क्या बिहेवियर होता है. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी. नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजी.
सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप्स. अब ये एक पर्सन के टर्म में बात नहीं की जा रही है, इट इज अबाउट द ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स का मतलब है कि सोसाइटी के बारे में, जब एक कम्युनिटी में कुछ लोग रह रहे हैं, एक सोसाइटी में जब लोग रह रहे हैं, तो उनका परचेजिंग हैबिट क्या है. ठीक है, सो सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करता है ग्रुप्स को. ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल फॉर्म ग्रुप्स देयर एक्शन समटाइम्स रिलेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एक्शन डूज ऑफ इंडिविजुअल. यानी एक पर्सन किस तरीके से प्रोडक्ट खरीद रहा है और सोसाइटी में, एक कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ पीपल किस तरीके से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है. राइट, तो यहां पर आप देखते हैं सोशियोलॉजी में हम जो क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, मार्केटर क्या क्या चीजों को देखता है. तो मार्केटर देखता है सोसाइटी ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. ठीक है, सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द, जैसे आपके स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उनका अपना ग्रुप है, तो उनका अपना परचेजिंग पैटर्न होगा. राइट, सो ये सोशियोलॉजी ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करता है कि जब 10 लोग एक साथ कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक कम्युनिटी के लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, एक रिलीजन के लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उनका बिहेवियर क्या है. आई बस समझ में, यानी सोशल क्लास इसमें आ जाएगा, आपका रिलीजन आ जाएगा, आपका मतलब ऑक्यूपेशन विल कम्स इन द इकोनॉमिक्स. तो ये सारे टर्म सोशियोलॉजी में आ जाएंगे आपके, कि इंडिविजुअल और ग्रुप, इज ग्रुप में जब लोग खरीदेंगे प्रोडक्ट तो व्हाट विल बी द डिफरेंस. क्योंकि आपने देखा होगा कि जब 10 लोग, 10 फ्रेंड कहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए पिज्जा खाना है 10 लोगों को, तो देखिएगा कि जो 5 लोग अगर एक टाइप का मंगवा रहे हैं, तो अनदर जो 5 लोग हैं, ज्यादातर देखिएगा कि वो दूसरा ये मंगवा रहा है, अच्छा मैं भी ये ऑर्डर कर देता हूँ, ये चीज होता है ना, तो डिफरेंसेस आ जाती है. लेकिन आप अकेले हो तो आप कोई और ही प्रेफर करोगे पिज्जा. राइट, सो इट कैन बी पॉसिबल. या फिर अगर 10 फ्रेंड है, एक कोई को खाना है डोसा, एक को खाना है पाव भाजी और एक कोई को कुछ और खाना है, लेकिन सब लोगों ने, मेजोरिटी ने कहा कि नहीं नहीं पिज्जा खाएंगे, तो सब पिज्जा खाने चले जाते हैं. सही बात है ये भी. सो योर बाइंग बिहेवियर इज चेंज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट यू आर इन द ग्रुप. हाँ, नॉलेज का भी कमी और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आप रहते हो अपने सोशल एटमोस्फेयर से, एक तरीके से. समझ में आया सबको सोशियोलॉजी? यस मैम, यस मैम. ठीक है, चलिए सोशियोलॉजी में सब चीजें आ जाएंगे आपकी. सोसाइटी, इन शॉर्ट सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी से ही ये वर्ड को निकाला गया है, डिराइव किया गया है. तो इसमें आपका रिलीजन आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा, कास्ट आ जाएगा, फ्रेंड्स ग्रुप आ जाएगा, कलीग्स ग्रुप आ जाएगा. ठीक है, उसके अलावा आपका क्लास स्टेटस, सोशल स्टेटस आ जाएगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी, सो यहां पर जो आपके कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात हो रही है, तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज रिलेटेड विथ योर बिलीफ, योर कस्टम. ठीक है, आपका बिलीफ कस्टम क्या है, आपका कल्चर क्या है, तो उस बेसिस पे आपका कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा. ठीक है, इट एक्सप्लोर द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल बिलीफ वैल्यूज कस्टम्स, जो कि आपके परचेज को इफेक्ट करेगा. जैसे आपकी फैमिली में जो कस्टम माना जा रहा है, जो रिचुअल्स है, जो आपके घर की वैल्यूज है, आप वैसे ही आगे चल करके उसी तरीके से आपकी भी बिहेवियर कहीं ना कहीं होगी. राइट, तो दिस इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब आप मनी के टर्म में, इनकम के टर्म में और प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन के टर्म में जब आप कोई प्रोडक्ट को सीख करते हो, तो मार्केटर जो है ना वो प्राइसिंग पॉलिसीज यहाँ देखता है, इन्फ्लेशन देखता है, फिर आपका सेविंग्स, इकोनॉमिक के जितने भी टर्म्स हैं उन सब के बेसिस पे, डिमांड सप्लाई, इन सब बेसिस पर कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है जब एनालाइज किया जाता है, तो दैट इज इकोनॉमिक्स. समझ में आया, क्लियर हो गया? हाँ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड. एंथ्रोपोलॉजी अगर मैं बोलूँ आपको, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब जो होता है, जो ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ाई जो होती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजी, द बिहेवियर ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी. लेकिन यहाँ इन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कहा है, इसलिए मैंने कस्टम्स ऑफ बिलीफ बताया आपको. ठीक है, समझ में आया? क्या नाम है? ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Terms are clear. Yes, ma'am. So, yes, ma'am. We start again from the discipline only. Discipline से शुरू करेंगे, उसके बाद next topic करेंगे. Whatever we discussed. Yes, ma'am. Variety seeking का मैम क्या बताएं? Variety. High involvement. Variety seeking जो है,
वैरायटी सीकिंग में क्या है कि आप जो हैं एज आपका बिहेवियर क्या होगा कि आप नए नए प्रोडक्ट को ढूंढिएगा, सीख कीजिएगा. अगर आपको मिलता है न्यू कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट तो आप तुरंत से स्विच कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्यूरियस होंगे, आप इनोवेटर होंगे, न्यू प्रोडक्ट को ट्राई करने की आपकी हैबिट होगी, ठीक है. पर अडॉप्शन इज नॉट श्योर, बट यू विल ट्राई द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है. वंस यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट देन यू विल परचेज इट. Until and unless new product you are not able to see, जब तक आपको product नहीं देख पाओगे तब तक आप वो product को लोगे, फिर again आपको कोई नया brand दिखेगा, you are going to move toward that particular brand, ठीक है. तो ये होता है variety seekers, जो एक brand पर नहीं टिक के रह सकते हैं, जो switch करते रहेंगे brand को, और जो switching cost होगा वो बहुत low होगा, बहुत high नहीं होगा. आई बस समझ में? Yes ma'am. Okay.